लगाओ तो हेड लगा, हेड लगा बॉडी लगी। अबे एक गोली का है लगता है हमारी जरूरत नहीं है, ये रैप होते हैं मार देंगे। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, और फाइनली गाइस कॉन्करर डन हो चुका है। जैसा कि मैंने तुम लोग कहा था कि पबजी मोबाइल के अंदर मैं कुछ दिन बस इसलिए खेल रहा था, मुझे नया मोड खेलना था, बट अभी मैं वो मोड खेल के बोर हो चुका हूँ और अब तुम्हारा भाई रैंक पुशिंग पर उतर आया है। तो देखो यहाँ पर दो दिनों के अंदर कॉन्करर तो हो चुका है और अब आज का ये मैच कल वाले मैच की तरह ही धांस हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया तुरंत टीम को कॉल दी और हम भाई पहली स्क्वाड की तरफ चढ़ पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर आए पता नहीं भैया कि बंदे को मारा बॉट ने या बॉट ने बंदे को मारा, लेकिन यह एसएलआर चल रही है और वो भी बड़े ही अजीब प्रकार से। मैं आगे जाता हूँ, भाई सब क्या एम ट्रांसफर किया मैंने, तुरंत बंदा स्पॉट हुआ उधर की तरफ एम ट्रांसफर किया, इस बंदे को मारा। अब यहाँ मेरे टीममेट ने एक बॉट को मार्क किया। अब देखो बॉट वो इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि कॉन्करर लीग में ना भाई एक एक बॉट का किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे मेरी डीपी रिलोड हुई तभी भाई साहब वो बॉट नहीं बंदा था वो। बाय द वे गाइस जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो यार सभी लोग सब्सक्राइब करो, इतने सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, क्यों भाई? कोई गलती हो गई हो तो बताओ मुझे कमेंट में। खैर अब यहाँ पर जॉर्जो पूल में ज्यादा बंदे नहीं आए थे इसीलिए हम लोग तुरंत आ गए सिटी में, और जैसे सिटी पे आए मुझे एक बंदा दिखा ऊपर से जाते हुए। और जैसे ही मैंने इस बंदे को नॉक किया डीपी से तो तुरंत मुझे राइट साइड में पता चला कोई मेरे किल चुराने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भाई तुरंत छत पे एम लेता हूँ, बंदा स्पॉट हुआ उसको भी नॉक किया और यहाँ पर हम लोग सिटी में घुस गए। मतलब मैच देख रहे हो कितना फास्ट चल रहा है भाई सब, ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो। एक टीम नॉक फिनिश, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा भसड़ बची हुई है इसीलिए अब थोड़ी सी नरमी बरतनी पड़ेगी। पीछे भी एक स्क्वाड आई, मैं बच सकता था। फाइनली अब देखो मेरी जो टीम है वो आगे जाने के लिए बोल रही थी और मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं छत पे चढ़ रहा हूँ, मैं तुम लोग कवर दूंगा, तुम लोग आगे जाना, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस स्क्वाड में मतलब कि इस स्क्वाड से फाइट ले सकते हैं। बता दिखा, लेकिन वो अंदर भाग गया और यहाँ मेरी टीम जो है अब धीरे धीरे आगे घुसना शुरू कर देती है। जैसे ये लॉक निकला वो आगे बढ़ते, मैं पीछे से कवर देता हूँ, लेकिन तभी अब पहले मुझे लगा ये बॉट है लेकिन वो असली बंदा था। खैर ये सब छोड़ो, उधर मेरी जो टीम की फाइट है वो असली बंदों से हो चुकी है। भाई साहब इस बंदे को पता भी नहीं चला कि मैं कब आया और कब इसको मार के चला गया। खैर यहाँ पर मेरे भाई साहब देखते ही देखते 9 फिनिश हो चुके हैं जो कि मेरे प्लस को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर इस वाली बिल्डिंग में देखो दो बंदे थे, आप लोगों को मैप में फुटप्रिंट दिख रहे होंगे। अब ये बंदे ऊपर थे, मैंने सोचा मॉली फेंकता हूँ लेकिन यहाँ से मॉली जा नहीं सकती थी इसलिए तुरंत डिसीजन बदला और मैं सोचता हूँ कि नीचे जाके फेंक लूंगा, और जो कि एक गलत डिसीजन था। क्यों देखो जरा,
भाई इन जगहों पे ना बंदे आके बस बैठ जाते हैं गल्ले के, और वो ना जो बंदे जो टीम फाइट ले रही होती है उनमें पीछे से चोभे घुसेते रहते हैं, तो बस यही मेरे साथ हुआ। खैर अब ये मैच उस पेस पे तो नहीं चलने वाला है जितनी स्पीड से अब तक आपने देखा, इसलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज कर दिया अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। खैर अब यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले हम लोग ऊपर आए हैं, यहाँ से लूट उठाएंगे और अब हम चिकन के लिए बढ़ेंगे। तो अब तक जिन लोगों को एक्शन पसंद था उन लोगों ने एक्शन देखा, लेकिन अब जिन लोगों को रैंक पुशिंग स्ट्रेटजी इंटेंस पसंद है तो देखो कि कैसे हम लोग चिकन की तरफ बढ़ेंगे। मुख्य मार मार के आगे आया, अब यहाँ बेसिकली एक स्क्वाड आ चुकी थी, बता देखा बड़े ही आराम से नॉक किया। जैसे इसको नॉक किया अब हम सबसे पहले इस नॉक की तरफ ही बढ़ते हैं। एक और आया, वॉच आउट, भाई साहब क्या फाइट हुई। लास्ट वाले बंदे को मैंने हेड मारा तो था लेकिन भाई उसके पास एसएमजी थी और एसएमजी क्लोज रेंज में तुम लोगों को पता है क्या कमाल बचाती है। खैर ऊपर की फाइट बहुत ही जल्दी हुई, बहुत ही जल्दी निपटी और उस फाइट में आई थिंक मैंने 2-3 किल उठाए मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है तो अब यहां पर हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके थे और गाड़ी पकड़ के हम लोगों को जोन में निकलना था, तो बस नीचे उतरे। सबसे पहले मेरे घरों को चेक किया, देखो आप ना जब भी ऊपर से नीचे कूदते हो ना भाई यकीन मानो बंदे कभी भी और कहीं भी मिल सकते हैं। मैं तुम लोग क्या बताऊं, एक मैच में ना मैं 3-4 दिन पहले अभी जोन के बाहर ब्रिज कैंप कर रहे थे बंदे, तो मेरा तो भरोसा ही उठ चुका है भाई कि बंदे क्या क्या कर सकते हैं। खैर हमने यहाँ पर जोन पकड़ा और जोन हमने लिया हिल पे क्योंकि हिल से हम लोग सब लोगों की एक्टिविटीज देख सकते थे कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन रोटेशन दे रहा है। बट हमें ये नहीं पता था कि ये जोन हमारा बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। जी हाँ गाइस, ये जोन जो है वो हमारी ही तरफ पड़ जाता है और फाइनली आती है एक स्क्वाड। अब जैसी स्क्वाड आई मैंने पहली ग्रेनेड की पिन खींच ली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद ना ग्लिच से रेंडर हो गए और उन्होंने हमको स्पॉट कर लिया क्योंकि वो नीचे ही रुक जाते हैं। अब वो तो नहीं आए लेकिन मेरा टीममेट बोलता है कि पीछे उस पे बंदे आ चुके हैं। मैं जैसे उसकी तरफ जाता हूँ तभी वो वापस चले जाते हैं, तो मैं वापस इधर की तरफ आता हूँ और जैसे मैं इधर की तरफ आता हूँ तो वही कूप जो उधर से घूम के गई थी वो इधर की तरफ आ जाती है। अब देखो यहाँ जो मेरा टीममेट है ना भाई वो ओवर कॉन्फिडेंस में ओपन में चला गया, वो नीचे वाले बंदों को भूल ही गया। लेकिन अगर आपने मुझ पर ध्यान दिया हो तो मैं ओपन में नहीं गया था, मैं बस यही देख रहा था कि क्या वो बंदे अब इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे और एग्जैक्टली वही हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले उधर मैंने ग्रेनेड फेंका, अपने टीममेट को कवर में आने के लिए बोला और ये देखो फिनिश करने की खुजली में वो बंदा नॉक हो गया। उधर मेरे टीममेट से अलग फाइट चल रही है बट भाई जैसे इसको रिवाइव देता हूँ तुरंत ये स्क्वाड का जो आखिरी बंदा था वो भी तरफ आता है और मैंने उसको लपेट दिया। बाय द वे गाइस जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है आज का होमवर्क के तौर पे एक लाइक ठोक दो। अब इसके बाद में क्योंकि मेरे टीममेट के पास इधर दो बंदे अलग आ चुके थे तो मैं जल्दी से रिवाइव देकर इधर की तरफ आता हूँ, ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ और जैसा कि उसने मेरे को बताया कि बंदा रिज पे, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन का यूज किया और फेंका ग्रेनेड, बंदा नॉक। जैसे ये नॉक हुआ हम लोग सीधा रश करते क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ केवल दो ही बंदे थे लेकिन एक और बंदा इन सब के अलावा था और वो कहाँ होगा देखो जरा। भाई साहब वो तो फ्री में मारा है, लिटरली फ्री में, बचा केवल आखिरी बंदा और मेरा एक टीममेट उस पर चढ़ जाता है। सही बताऊं तो मैंने उसे रुकने के लिए बोला था और अब ये फाइट थी 1v1 की, थ्रोबल्स मेरे पे था नहीं।
लेकिन ये बंदा लो एचपी में जो भाई ओपन में आया ना, लिटरली इसने मेरा दिल बना दिया और इस मैच में भी मेरा अच्छा खासा प्लस हो जाता है। जी हाँ गाइज, और आई थिंक ये मैच मेरा कॉन्करर के बाद का है। तो गाइज तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, आई होप अच्छी ही लगी होगी। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो मैं आप लोगों से बस विनती करता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सब्सक्राइबर थोड़े कम बढ़ रहे हैं, तो 2 मिलियन के पास तो इस स्पीड से हम लोग नहीं जा सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, अगर हो सके तो, अगर आपको कोई फ्रेंड बीजी मैच देखता है या खेलना पसंद करता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ठीक है गाइस, मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।